भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, जी हाँ, उनके साथ जिसकी भी जोड़ी बनती है, जिस भी एक्ट्रेस की, वो अपने आप सुर्खियों में आ जाती हैं। लेकिन अनीशा पांडे के साथ क्यों पवन सिंह ने दोबारा अपना वो सबसे मच अवेटेड गाना शूट किया, जिसके बारे में लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थानी घाघरा का। तो आपको बता दें कि राजस्थानी घाघरा में अनीशा पांडे पवन सिंह के साथ नज़र आएंगी। इस गाने में सुनने में आया था कि कई बेहतरीन एक्ट्रेस भी आ सकती हैं, लेकिन अनीशा पांडे ही क्यों। तो आपको बता दें कि अनीशा पांडे इस वक्त भोजपुरी की टॉप मॉडल में से एक हुई हैं। मॉडल्स भोजपुरी में उनको कहा जाता है, जो कि भोजपुरी में आपको फिल्मों में देखने नज़र नहीं आएंगी, लेकिन एल्बम्स में नज़र आएंगी। मॉडल का मतलब ये नहीं होता है भोजपुरी में कि जो रैंप वॉक करती हैं, यहाँ मॉडल का मतलब ये होता है कि जो आपको फिल्मों में तो नज़र नहीं आएंगी, लेकिन आपको सुपरहिट एल्बमों में नज़र ज़रूर आएंगी। तो ऐसे में ही अनीशा पांडे हैं, जिन्होंने गुंजन सिंह और खेसारी लाल यादव, यश मिश्रा और अरविंद अकेला कल्लू, इन सब के साथ कई बेहतरीन और सुपरहिट गाने दिए हैं। और अब बात कर लेते हैं ज़रा अनीशा और पवन की। तो अनीशा और पवन की जो केमिस्ट्री है, महादेव का दीवाना हूँ से जमी, और कहीं ना कहीं अनीशा पांडे, अखिलेश कश्यप और पवन सिंह, इन तीनों की तिकड़ी दोबारा आ रही है इस गाने में, राजस्थानी घाघरे में। और वो ही धमाल, वही सब कुछ क्रिएट करने की कोशिश की गई है जो कि महादेव का दीवाना में क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। आपको बता दें, इन दोनों की जोड़ी को बहुत ढेर सारा प्यार मिला था, और ये गाना सावन का जो ये गाना था, सबसे सुपरहिट गाना रहा था पवन सिंह का, और इस वजह से इन दोनों की जोड़ी को फिर से भुनाने की कोशिश की गई है। साथ ही अनीशा बहुत ही बेहतरीन डांसर हैं, और खेसारी लाल यादव के साथ इनका गाना भतीजवा कमाई देवघर जाई वाला भी काफ़ी सुपरहिट हुआ था। सावन के महीने में ये भी आया था, और भतीजवा की मौसी जिंदाबाद, जी हाँ, ये भी गाना बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही सुपरहिट हुआ था। तो इस ऐसे देखा जाए तो अनीशा पांडे इस वक्त भोजपुरी की अमूमन हर एक बड़े गाने में आपको नज़र आएंगी, और ये लोगों की पसंद भी बनती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि ये जिस तरह का इनका फेस है, जिस तरह का इनका लुक है, वो मोस्ट ऑफ भोजपुरी के हर एक एक्टर के साथ ही फिट बैठ जाती हैं, और इनकी जोड़ी उनके साथ अच्छी लगती है। और ख़ासकर भोजपुरी में अब स्लिम ट्रिम एक्ट्रेसेस की जो ज़रूरत पड़ी है, और जो जिस तरह से स्लिम ट्रिम एक्ट्रेसेस आ रही हैं, मॉडल के तौर पर आ रही हैं, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है भोजपुरी में। तो ये कह सकते हैं कि अब अनीशा पांडे और पवन सिंह एक बड़ा पैकेज लेकर आ रहे हैं अपने फैंस के पास साथ, और काफ़ी मात्रा में क्लिपिंग्स आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, और जो बहुत अच्छा भी लग रहा है, काफ़ी एक गुड जेस्चर की तरह लग रहा है गाना। तो यकीन है कि इस गाने को भी उतना ही प्यार मिलेगा जितना महादेव का दीवाना को मिला था। आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।